हेलो फ्रेंड्स, आरतीस पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बेसन का भरवा पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। और ये रेसिपी आप कभी भी घर पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बेसन तो हमारे घर पे अवेलेबल होता ही है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में दिए बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। तो बनाते हैं आज बेसन का पराठा। इसके लिए सबसे पहले हम आटे का डो बना लेंगे और बाद में हम बेसन की फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो आइए पहले आटे का डो बना लेंगे। मैंने 2 कप आटा ले लिया है। मैंने मेजरिंग कप से मिलके 2 कप आटा लिया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच सॉल्ट डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। आप पहले इसको हाथों की मदद से अच्छे से ऑयल को और सॉल्ट को मिक्स कर लेंगे और बाद में हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूंद लेंगे। ये अब हमारे आटे का डो रेडी हो गया है। इसको अब हम 5 से 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट की रेस्ट के बाद हम इसको फिर से थोड़ा सा गूंद लेंगे। अब हम बेसन की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने मेजरिंग कप से मेजर करके मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है। कुछ मैंने धनिया पत्ती ली है, 2 मैंने मीडियम प्याज चॉप कर लिए हैं, 2 मैंने हरी मिर्ची काटी है, सॉल्ट लिया मैंने 1/2 चम्मच, लाल मिर्च मैंने ली है 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, अजवाइन ली है 1/2 चम्मच और 1/4 स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। ये सब हम बेसन में डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। हरी मिर्ची डाल दूंगी। प्याज डाल देंगे। और धनिया पत्ती डाल देंगे। धनिया ज्यादा ही डालें, अच्छा लगता है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका भी टाइट सा डो बना लेंगे। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि ये जल्दी पतला हो जाता है। अब मैं हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका भी टाइट वाला डो बना लूंगी। पानी बिल्कुल धीरे धीरे डालें। ये हमारी बेसन की फिलिंग है अब तैयार हो गई है। इसका भी मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका भी डो बना लिया है। इसके ऊपर हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब हम अपना आटा देख लेते हैं। ये डो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको भी हम ऑयल थोड़ा सा डाल के सॉफ्ट कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, तो पराठा बेल लेते हैं। मैं आटे की लोई लूंगी। लोई हम बहुत बड़ी नहीं लेंगे, छोटी ही लेंगे। अब मैं इसको बेल के इसमें फिलिंग भरूंगी। इसको हम पूरी के साइज का बेल लेंगे। अब हम इसमें बेसन की फिलिंग भर देंगे। मैं बेसन की फिलिंग थोड़ी ज्यादा डालूंगी। अब हम इसको रोल कर लेंगे। फिलिंग आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 1.5 चम्मच डाली है भर के। आप कम ज्यादा भी डाल सकती हैं। ऐसे इसको रोल करेंगे और ऊपर से गोल करके प्रेस करके हम गोल कर लेंगे और हाथों की मदद से इसको ऐसे दबा देंगे, ताकि फिलिंग इवनली सब तरफ फैल जाए। फिर मैं इसको सूखा आटा लगाऊंगी और बेल दूंगी। पराठा हमारा बेल गया है और फिलिंग भी इवनली सब तरफ चली गई है। अब ऐसे ही हम दूसरा पराठा भी बेल लेंगे।
अब मैंने तवे को हीट कर लिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्रश के साथ ऑयल लगाएंगे और फिर मैं पराठा डाल दूंगी। पराठे को दोनों तरफ से अच्छे तरह से सेक लेना है। इसको मैं फिर से फ्लिप कर लूंगी और इसके ऊपर हम फिर से ऑयल लगा देंगे। आप कोई भी ऑयल या कुछ भी घी भी यूज कर सकते हैं, मैं ऑयल यूज कर रही हूँ। इसको हम फ्लिप कर देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। गोल्डन होने तक हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। आप इसको मीडियम फ्लेम पे ही सेकें, अगर आप लो फ्लेम पे सेकेंगे तो ये ज़्यादा कड़ा हो जाएगा। अब अच्छे से सिक रहा है। ये हमारा पराठा अच्छे से सिक गया है। ऐसे हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। दीजिए हम अब हमारा दूसरा पराठा भी तैयार है और ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। तो लीजिए हमारा बेसन का पराठा तैयार है। आप इसको किसी भी अचार या दही के साथ, किसी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।